मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज जबलपुर के शक्तिभवन में आयोजित नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ प्रारंभ हुई। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि रानी अवंतीबाई एवं रानी दुर्गावती सम्मान हर वर्ष आयोजित किए जाएंगे। सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में रानी अवंतीबाई एवं रानी दुर्गावती की जीवनी के प्रेरणादायी विषय समाहित किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्री अन्न उत्पादन करने वाले जनजाति भाई बहनों को जो कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा आदि का उत्पादन करते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति किलो की प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश में 32,000 करोड़ की सिंचाई योजनाओं को मंजूरी, केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 4500 करोड़ की सड़कें बनाने एवं ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों की बिक्री पर लगने वाले मोटर यान कर पर 50% की छूट देने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज गैरिसन ग्राउंड जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में 409 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत 17 घाटों को अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने, जबलपुर शहर में नए ब्रिज निर्माण करने और नए उद्योग लगाने के साथ ही कहा कि जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं उन स्थानों को तीर्थ बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती जी जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को देश की सेवा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए समर्पित किया है। नई शिक्षा नीति में हम रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई और ऐसे सभी गौरवशाली महापुरुष और वीरांगनाओं को स्थान देने वाले हैं ताकि इनके जीवन परिचय से आने वाली पीढ़ियां शिक्षित हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभागीय समीक्षा बैठक के क्रम में आज जबलपुर के होटल कल्चुरी रेसिडेंसी में आयोजित जबलपुर संभागीय समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संभाग की कानून व्यवस्था, प्रगति तथा विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा की और जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर में आयोजित रोड शो के दौरान नागरिकों ने भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री जी ने भी सभी नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया। शिवपुर में स्थित कुल्लू नेशनल पार्क में चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इस खुशखबरी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चीता परियोजना से जुड़े लोगों, वन्य जीव प्रेमियों और नागरिकों को बधाई दी। देश के सबसे बड़े लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी यह होने वाला है। नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत 17 घाटों का अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर वो सारे घाट बनाए जाएंगे। बोलो नर्मदे महारानी की। मध्यप्रदेश सरकार ने हमारी पिछली कैबिनेट में निर्णय किया, हमने बात कही है कि हमारे अपने प्रत्येक भगवान राम के चरण जा पड़े उस चरण पड़ने वाले स्थान को तीर्थ बनाएंगे। नई शिक्षा नीति में उस बात को भी हम रेखांकित करेंगे जिसमें रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई और ऐसे सभी गौरवशाली जो जो महापुरुष हैं या रानियां हैं उन सबको हम स्थान देने वाले हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।